दोस्तों आप एक सीसीटीवी के इंस्टॉलर हो तो कस्टमर के तरफ से कॉल आती है कि जो डीवीआर पासवर्ड है वो लॉक हो चुका है, तो वहाँ पे उनको पैटर्न और पासवर्ड बिल्कुल भी पता नहीं रहता, तो वो कंफ्यूज होके आपको कॉल करने लगते हैं कि इसका पासवर्ड और पैटर्न क्या है। तो वहाँ पर आपको भी पता नहीं लगता कि पैटर्न और पासवर्ड डीवीआर का हमने क्या रखा था, तो सिंपली आपको जो है वहाँ पे साइट पे जाके डीवीआर को रीसेट करना होता है। या सपोज़ आप मान लीजिए कस्टमर हैं, डायरेक्टली आप डीवीआर का पासवर्ड रीसेट करना चाहते हो तो किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आ गए हम सी पी प्लस के डीवीआर के अंदर, तो देखते हैं कि सी पी प्लस के डीवीआर का पासवर्ड रीसेट किस तरह से करते हैं। तो राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके यहाँ पे सिंपली हमें मेन मेन्यू के अंदर जाना है। तो यहाँ पे हमें जो है पैटर्न इसका पता नहीं है कि हमने क्या डाला है, तो फिर आपको पासवर्ड वगैरह पता रहेगा, तो यहाँ पे फॉरगेट अनलॉक पैटर्न को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में हमें ये भी पता नहीं रहता कि यहाँ पे पासवर्ड क्या डालना है, तो पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल के जो है सिंपली आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे पैटर्न पासवर्ड हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली हमें यहाँ पे फॉरगेट का ऑप्शन कंपनी ने दिया होता है, तो सिंपली हमें डीवीआर को फॉरगेट करना होता है, तो सिंपली यहाँ से फॉरगेट कर लेते हैं। फॉरगेट करने के बाद में इस तरह का एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे पूछेगा, तो यहाँ पे ईमेल हमें दे देना है, तो ईमेल मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने जो है ईमेल यहाँ पे दे दिया है, तो सिंपली यहाँ से नीचे की तरफ नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद में इस क्यूआर कोड को आपको जो है स्कैन करना होता है जीसीमोबी एप्लीकेशन के अंदर। तो आ गए हम अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, जीसीमोबी ऐप जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करके उसको ओपन कर लेते हैं, परमिशन देते हैं, कैमरा में चले जाते हैं। की तरफ में आपको जो है एक थ्री डॉट दिख रहा रहेगा, उसको ओपन कर लेते हैं। उसको ओपन करने के जो है नीचे की तरफ पे मोर दिख रहा रहेगा, आपको मोर को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन रीसेट डिवाइस पासवर्ड का मिल रहा रहेगा आपको। स्कैनर ओपन हो रहा है, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं यहाँ से। जैसे ही यहाँ पे स्कैन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाता है, यहाँ पे आपका जो है सिक्योरिटी कोड यहाँ पे ईमेल पे आपके सेंड हो चुका है। तो यहाँ से बैक चले जाते हैं, ईमेल अपना ओपन कर लेते हैं। ईमेल ओपन करने के बाद में ऊपर ही आपको जो है दिख रहा रहेगा, तो उसको ओपन कर लेंगे। सिंपली ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है द सिक्योरिटी कोड इज सीरियल नंबर, उसके आगे इज FB80C81 करके आपको दिखा रहा रहेगा, यही आपका जो है। तो वो कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, तो यहाँ पे मैं इसको कोड को डालने वाला हूँ। तो यहाँ पे यहाँ पे एक कोड है, तो यहाँ से सिंपली मैंने कोड को अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आपको जो है रीसेट पासवर्ड एडमिन दिखाएगा, यहाँ पे न्यू पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे न्यू पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे एक सिंपल सा पासवर्ड मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ DVR का admin123, क्योंकि मेरे DVR का जो नेम है वो एडमिन है, तो मैं admin123 सिंपल सा पासवर्ड इसको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी सेम पासवर्ड जो है कंफर्मेशन में पूछा जाएगा, तो सेम पासवर्ड यहाँ पे हमें देना होता है। तो कंफर्म पासवर्ड admin123 मैंने यहाँ पे ऊपर पे डाला था, तो यहाँ पर भी वो सेम दे देते हैं। तो इसको सेव कर देते हैं, यहाँ पे सेव रीसेट पासवर्ड सक्सेस करके दिखा रहा है, तो सिंपली हमें यहाँ से ओके करना है। ओके करते ही यहाँ पे जो पासवर्ड हमने दिया है admin123, तो यहाँ से ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद में यहाँ पे ओके कर देते हैं, तो सिंपली यहाँ से जो है पैटर्न और सिंपली यहाँ से जो है हमारा पासवर्ड ओपन हो चुका है। तो जब भी आप जो है तो मेरे ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे।